जाते हैं ना 8 साल फिर। दादा फोन नंबर ही गया मेरा, आपका नंबर ही गया मेरे से, क्योंकि वो हम लोग इसमें भी है ना वॉइस ऑफ इंडिया। सर थोड़ा सा ये गाली दिए दोनों मिलकर, किशोर कुमार नहीं सात सुन, सात शुरू कर, 1 2 3 4 सात सुरों का अल्हड़ सा जो सफर तय किया आपने, संगीत प्रेमियों का जीवन संगीत में किया आपने, है पास अभी चलेगा, है पास अभी एहसास वही, है पास अभी एहसास वही, सुर साध गए हम वैसे वो कोई के साथ कोई बात नहीं, वन टू फिर से एक मुगड़ा गालेंगे, मुगड़ा अच्छा मैं साथ में गालेंगे, अच्छा चलो वन टू, ये तो ले रहे हैं लोग, यही तो मजा है ना, बिल्कुल परफेक्शन मत करो ना, यही मजा, वन टू थ्री, सात सुरों का अल्हड़ सा जो सफर तय किया आपने, संगीत प्रेमियों का जीवन संगीतमय किया आपने, ऐ पास अभी एहसास वही, सुर गए आबाद गए यूं मन को मन की डोर से, है बड़ा कोई फनकार का किशोर से, किशोर से, किशोर से, किशोर कुमार से, किशोर कुमारम, किशोर कुमारम, खंडवा वाले किशोर कुमारम, सबके प्यारे सबके दुलारे खंडवा वाले किशोर कुमारम, हैप्पी बर्थडे किशोर दा, किशोर कुमार जी की जय हो, रमित जी की जय हो, थैंक यू। So, आज है 30 जुलाई 2022, तो एक वीक पहले हमने सोचा कि किशोर जी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट करें, एक अच्छा हॉल बुक करके, तो फिर ख्याल आया कि अगर अमित जी हमारा साथ देते हैं और अगर अमित जी कंसेंट देते हैं, गाना साथ में गाते हैं, तो इवेंट करने से अच्छा हम एक अच्छा सा सॉन्ग रिकॉर्ड करें जिसे हम किशोर जी की अचीवमेंट्स, एक गौरव गाथा उनके बारे में राइटर से कहेंगे कि कुछ किशोर जी के बारे में ऐसा लिखो कि गाने में पूरी दुनिया को पता चले कि किशोर जी की जो गौरव जो अचीवमेंट्स थी क्या थी। तो किशोर जी हर एक के दिल में जिंदा है, फिर भी उनकी फीलिंग्स को और ज़्यादा उभारने के लिए हमने फिर अमित जी को हम लोग मिले, और अमित जी का जितनी तारीफ करो उतनी कम है, ये इतने दिल के अच्छे हैं, जितनी इनकी आवाज़ सुरीली है उतना दिल में भी मिठास है। इन्होंने बोला अगर आप किशोर जी के लिए गाना बनाना चाह रहे हैं तो मैं ज़रूर गाऊंगा, लेकिन आप है कौन, आपका क्या है पहले आप ये तो बताओ, बहुत लोग मिलते हैं हमें। तो मैं बोला सर मेरा टी सीरीज भक्ति सागर पे काफ़ी गाने आ चुके हैं, टी सीरीज पे आए, जी म्यूजिक पे आए, वर्ल्ड पे, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो बताया, उन्हें सब कुछ बताया, तो बोले ठीक है फिर तो मैं आपके साथ गाऊंगा, क्योंकि मैं सबके साथ नहीं गाता, तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं सबके साथ गाता भैया लेकिन आपके मैनेजर ने बोला नहीं आपका पहले पोर्टफोलियो बताओ फिर हम बोलेंगे। मैं आजकल देखिए बहुत मजा आया आज, आपने समझिए आपने बनाया गाना भी इतना अच्छा मन से बनाया, ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है आज के तारीख में, और नेक्स्ट सैटरडे को उनका बर्थडे है, हाँ जी हाँ जी, जन्मदिन है, और हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं सन्मुखानंद में 6 अगस्त को, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो एक साथ एक मतलब कि देखिए भगवान का ये है आ रहा है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल, ही इज कमिंग बैक, ही इज ऑलवेज हियर, या या, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं इतने सालों के बाद पिताजी के ऊपर एक कुछ किया है, बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि मुझे ये गाना जब मैं आप सिखा रहे थे तब मैं थोड़ा सा आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल क्या होगा क्या होगा, लेकिन निकल गया मेरे ख्याल से उनका आशीर्वाद उनका है ब्लेसिंग भी था, अच्छा हो गया, बस लोगों तक पहुँचनी चाहिए बस, बिल्कुल बिल्कुल पहुँचेगा भी, इतने लोग साथ दे रहे हैं हमारा जी, तो हमारी मीडिया से गुजारिश है कि आप सब लोग, मुझे पता है किशोर जी के फैंस हैं, तो इस गाने को इस बाइट को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा फैलाइए कि वर्ल्ड के कोने कोने तक ये किशोर जी का जो सॉन्ग है और उसके बारे में जो हम लोगों ने किस तरह बनाया है। और एक बात बहुत ज़रूरी है बताना कि ये सॉन्ग का टाइटल किशोरी है, किशोर दा के सॉन्ग का टाइटल है किशोर, तो बहुत सिंपल है सर्च करने के लिए,
बहुत अच्छा किया आप। देखिए मेरा एक ये इंस्टाग्राम में मेरी बेटी चलाती है अभी मुक्ति का, उसने भी अपने ग्रैंडफादर का नाम लिया किशोरिया। वाह वाह क्या बात है। कुछ 6-7-8 महीने से शुरू किया है। बिल्कुल किशोरिया। हाउ डज इट फील यू नो आफ्टर यू नो सो मेनी इयर्स, आज किशोरदा हमारे बीच है, यू नो जिंदा ही उनकी आवाज के जरिए हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं उनको। हाउ डज इट फील व्हेन यू हैव म्यूजिक एंथुसियास्ट लाइक जसवीर जी, संजय जी, दे ऑल कम टू यू एंड से दैट वी वांट टू रिमेंबर एंड पे अ ट्रिब्यूट? बहुत अच्छा लगता है, बहुत फील मतलब एज अ सन आई फील सो क्या कहूं, मतलब के प्राउड नहीं कह सकता मैं, बिकॉज ही वॉज, मैं कोई बहुत बड़ा शख्स नहीं हूँ उनके सामने, उनका बच्चा हूँ, मैं उनका अंश हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी ये तो कहना ही पड़ेगा विदाउट एनी डिबेट। अब डिबेट करोगे तो हार जाओगे भैया, डिबेट करोगे तो हार जाओगे, ये बोलना ही पड़ेगा मुझे। देखिए सब बोलते हैं कि वो उनके साथ मतलब ही विल ऑलवेज बी ऑन द देयर एकदम ऊपर से ऊपर, इट्स लाइक दैट। अच्छा नहीं लगता कि मैं उनका तारीफ करूं, मैं उतना बड़ा नहीं हूं कुछ, ये आई एम जस्ट इज, मैं उनका एक अंश हूं, छोटा सा अंश हूं बस। सो आई एम फीलिंग सो ग्रेट कि संजय जी और जसप्रीत जी आपने याद किया, और ये जो आ रहा है ये लोगों तक फैलेगा, और ये सुपर हिट गाना है, गाना सुपर हिट होगा। लेकिन सर जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जब आप गा रहे थे ना जी, तो शुरू में तो सिर्फ आप 5-10 मिनट लगाए, बस आवाज जैसे ही गर्म हुई इन्होंने ऐसा गाया इस गाने को, तो आखिरी में मुझे लगा कि मैं साक्षात किशोर जी की वॉइस सुन रहा हूँ। ये गाना जब आप सुनेंगे ना, नहीं नहीं मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई क्योंकि मैं उनके हर गाने सुनता हूँ, तो आपने ऐसा गाया है जैसे कि किशोर जी गा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही थी जब आप लोग भी सुनो, नेचुरल है उनका उनका खून हूं मैं, वो तो है, वो तो ऐसा कंपोजर भी मुझे फील हो रहा था कि ऐसा लग रहा है कि किशोर दा ही गा रहे हैं। अभी देखिए उनको लेके इतना चर्चा हो रहा है, कितने सालों से कि उनको क्या द हाईएस्ट अवार्ड देनी जरूरी, भारत रत्न, भारत रत्न, हाँ भारत रत्न, आई थिंक ही वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट अवार्ड, ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट अवार्ड, भारत रत्न मुझे दे दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, किशोर जी की अचीवमेंट्स का अवार्ड तो आपको ही देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ही इज द बिगेस्ट अवार्ड, ही वॉज द बिगेस्ट अवार्ड, द बिगेस्ट क्या कहूँ, इंस्पिरेशन टू द होल वर्ल्ड। वैसा वैसा देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ वैसा इन क्या कहूँ मैं बोलता हूँ टू मैनी इन वन, यस दैट इज टू मैनी इन वन। अब एक इंसान के अंदर इतना सो मैनी थिंग्स। और एक खासियत किशोर जी की थी, जब हम छोटे थे हमें लगता था कि ये जो देवानंद जी के गाने हैं वो किसी और सिंगर ने गाए हैं, राजेश खन्ना जी के किसी और ने गाए, अमिताभ बच्चन, जैसे जैसे बड़े हुए पता चला कि सब गाने किशोर जी ने ही गाए हैं। तो उनका जो स्टाइल है गाने का, हर एक्टर के साथ स्टाइल चेंज होता था उनका, तो वो चेंज करते थे, ऐसा लगता था अमिताभ जी गा रहे हैं गाना, राजेश खन्ना जी गा रहे हैं। जी जी सही बात। संजय जी ये गाना कंपोज करने में आपका आपके लिए कितना प्रेशर था, क्योंकि एक लोगों में उम्मीद रहेगी कि काम आता है तो फिर हम लोग उसमें हावी हो जाते कि यार इसके बिना कुछ करना ही नहीं है। और पता चला कि अमित दा गाने वाले, तो और भी मैं डर गया था, मैंने बोला गाना तो वैसे ही होना चाहिए। मैं भी डर गया भाई। नहीं नहीं ये आइडिया मैंने इनको दिया, बिकॉज़ इट इज नॉट इजी, मैंने लगता है गाना बहुत इजी नहीं है। नहीं है, नहीं है, इट इज नॉट इजी सॉन्ग, बिकॉज़ यू हैव टू एक्ट ऑल द टाइम, यू आर एक्टिंग, यू हैव टू एक्टिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो अमित दा ने ऑलरेडी मेरे मराठी फिल्म में भी गाया है गाना, और एक सिद्धिविनायक हमने किया था साथ में, तो वो भी गाया, तो वो इनका स्टाइल मुझे पता है। अच्छा, और डेफिनेटली किशोर दा है तो डेफिनेटली मुझे वैसे जाना ही है। अमित जी के साथ गाना गाना इज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, बिकॉज इनके जो गाने हैं, कह दो कि तुम हो मेरी वरना, बागी का सॉन्ग और नरसिम्हा का सॉन्ग, मतलब शुक्रिया, थैंक यू। वो पहले लगता था किशोर जी ने गाए, लेकिन जब सर्च करने लगे तो मुझे लगा अमित जी ने गाए, और इतनी फ्रेश वॉइस है अमित जी की। और आज जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा अमित जी तो जो टीवी पे दिखते हैं वैसे नहीं है, तो बहुत यंग है। तो मतलब और ज्यादा इनसे मिलने के बाद और अच्छा लगा, और सचमुच मेरा सौभाग्य है, मैं इनके चरण स्पर्श करके कहता हूँ कि इन्होंने जो आशीर्वाद दिया आज मुझे, तो बस हम लोग ये ब्लेसिंग बहुत काम आएगा,
ये किशोर जी ने आशीर्वाद दिया ऐसे लग रहा है मुझे. थैंक यू जी. और इनके साथ स्टेज शेयर, मतलब ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेयर करना, वॉइस शेयर करना, इट इज लाइक ए, मेरे ख्याल से दुनिया में कितने लोग नहीं चाहते रहेंगे ऐसा करना, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है. आई एम थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू पारुल जी ऑल्सो, क्योंकि इनके साथ बैठे बैठे आइडिया मैंने बोला कि मैं अमित जी को लेके गाना बनाता हूँ किशोर जी के बर्थ एनिवर्सरी से पहले, डेडिकेट कर देता हूँ. तो उन्होंने बोले अच्छा आइडिया है. थैंक विजी. तो इसका और बस ऐसे ही गाने हम डेडिकेट करते रहेंगे. आज किशोर दा का है, कल रवि साहब का होगा. जी जी बिल्कुल. और कई ऑल द ग्रेट आर्टिस्ट जो लोग नहीं काम करते वो हम लोग करेंगे और आप लोगों को मतलब सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये क्या हो रहा है. तो इस गाने का नाम है किशोर, आप सब लोग जरूर सुनिएगा. इसके सिंगर हैं अमित कुमार गांगुली जी और जसवीर सिंह, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर है संजय राज एस आर जी, और इसके राइटर हैं धर्मेंद्र एहसास. और आज ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कृष्णा ऑडियो में, और इसके इंजीनियर हैं आमिर शेख जी. है आमिर शेख जी. तो और हमारे अरेंजर है अभिर सेन और विजय लाडेकर, और हमारे जो है एनकरेजर मीडिया कोऑर्डिनेटर डिजिटल प्रमोटर है पारुल जी. आपकी तो रियली ये जो टीम है, ये टीम की वजह से आज ये गाने के साथ एक जस्टिफिकेशन मिल रहा है, क्योंकि गाना उभर के आना चाहिए तो टीम वर्क में ही होता है. सो थैंक्स टू एवरीवन. जानना चाहूंगा कल कोइंसिडेंटली रफी साहब की एनिवर्सरी है जी, तो आपको पता है कि यू नो किशोर दा हैड वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर रफी साहब. बहुत बहुत हाई है बहुत. तो ये मतलब बहुत अच्छी कोइंसिडेंस है, तो उसके बारे में मैं चाहूंगा आपका कमेंट. रफी साहब के साथ मैंने 11 गाने गाए. क्या बात है. 11 या 12 गाने. हां 11 टू 12 सॉन्ग्स डुएट्स. रफी साहब वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. हां बहुत. और पिताजी के साथ तो उनका पुराना बहुत पुराना है. रफी साहब केम इन 1944, माय फादर केम इन 1946. एक दो साल का डिफरेंस था, बट ये स्टार्टेड उसी टाइम उसी वक्त जब मिलते थे तो सब मजाक मजाक एंड दे यूज्ड टू थिंक अबाउट दैट ओल्ड टाइम्स, सब जो स्ट्रगलिंग टाइम्स वो उस वक्त से जानते थे. एक दूसरे के प्रति जो एक प्यार था, एक रिस्पेक्ट. और अभी मैं कल एक मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो कि मैं 11 साल से ऑपरेट कर रहा हूँ विदाउट पेड प्रमोशन. जेन्युइन ऑर्गेनिक जीरो सब्सक्राइबर्स है चैतन्य जी. इट हैज नाउ कम टू 189,000. क्या बात है, क्या बात. तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. तो वहाँ पे कल मैं एक गाना रिलीज कर रहा हूँ रफ़ी साहब के साथ मैंने गाया था, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ एक आलाप किया था अकबर में. अमर अकबर एंटनी का गाना था रफी साहब का, वो मशहूर कवाली जो था पर्दा है उसमें तो अकबर मेरा नाम नहीं है वो मैं था. लोग सोचते तो किशोर साहब थे, किशोर साहब नहीं थे. क्यों पूछे क्यों नहीं थे, किशोर साहब का बजट ही नहीं था. तो पकड़ा मुझे लक्ष्मी जी, बोला गाड़ी में बैठ. मेरे को गाड़ी में बैठा है चल. अब मैंने गाया था, वो रफी साहब गा रहे, फिर मैं गा रहा था. मुझे कितना दिया था, 500 रुपए दिया था. आइसक्रीम खाया था. तो कल वो गाना मेरे यूट्यूब चैनल में मैं रिलीज कर रहा हूँ. क्या बात है. एज़ ये हाँ, बिकॉज लेट द पीपल नो कि इट वाज सांग बाय मी. लोग अभी भी डिबेट करते नहीं नहीं तो किशोर कुमार ने गाया. किशोर कुमार ने नहीं गाया, किशोर साहब ने नहीं गाया, पिताजी ने नहीं गाया, मैंने गाया. लक्ष्मी जी मेरे को गाड़ी में ले गए थे, बैठ गाड़ी में. अनक्रेडिटेड था इसके लिए, नाम नहीं दिया मैंने. नहीं, नहीं, नहीं. इसके लिए अच्छा है कि आप बात नहीं यार, इसलिए मैंने गाना आई एम अ स्मॉल फ्राई. नहीं नहीं, यू आर अ लेजेंड. आप लेजेंड हो सर, आप लेजेंड हो. लिविंग लेजेंड. लिविंग लेजेंड. और तो वो रियली वन लास्ट थिंग, ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू यू सॉ वन थिंग, ही इज वेरी मॉडेस्ट. कहीं पर भी वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं. ही इज वेरी डाउन टू अर्थ. अच्छा वो कौन है, किसके बेटे हैं, हम सबको पता है. So, एक बात बताऊं, शायद आप मॉडेस्ट हैं कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, ठीक है, बट हमारे लिए किशोर दा एक बहुत बड़ी हस्ती थी सबके लिए. जब जी, आप उनके अंश हैं, हमारे लिए यही बड़ी बात है कि आज हमारे साथ हैं आप. वाओ शुक्रिया. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. वेरी नाइस. थैंक यू एवरीवन. एक बार हम जो हमारे ग्रुप का एक बैनर हो जाए. आइए धर्मेंद्र, एक मिनट. एक फोटो है, कम ऑन फोटो. फोटो जो है हम किशोर जी की फोटो है. रिकॉर्डिंग वी आर रिमेंबरिंग किशोर कुमार जी.
थैंक यू एवरीवन। और आप सब लोग ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और किसी को भी कुछ भी रहा गायकी में तो जरूर मिलिए आपके लिए। हम मीडिया के लिए हमारे बुके ला वो छोटा वाला बुके ला एक बेटा रुको जाऊंगा तेरे मेरे वो बुके दे रहा हूँ। अरे नहीं पहले ये होने दो सब लोग वो हाथ आ गया था ना एक बार और ले लो वहाँ से ले सकते अभी ये सुन के ज्यादा लिख मूवमेंट करेंगे दोनों गाएंगे थोड़ा मैं गाऊंगा इकट्ठे करो मिलके हां दोनों एक कैमरा आपके पास दो है कितने नीचे चार बोल रहा था क्या क्या दादा का एक हर संगीत प्रेमियों आप सभी भक्तों को अमित कुमार गंगोली और जसवीर सिंह का सब रे नमस्कार आदाब सत श्री अकाल ओ प्यारे संगीत प्रेमियों का जीवन संगीतमय किया आपने साजो सफर तय किया आपने संगीत प्रेमियों का जीवन संगीतमय किया आपने है पास कभी एहसास वही सुरसाद गए हाँ किशोर से किशोर कुमार से किशोर कुमारम कन्हा वाले किशोर कुमारम सबके प्यारे सबके दुलारे कन्हा वाले किशोर कुमार अनलाले हो जाए मस्ताना दिल सदा बहार तराने हमको दे गए हैं सौगातों में खुशियों की आदत लग जाए गम के भी हालातों में वो चुनार कहा किशोर से किशोर से है पास अभी एहसास वही सुरसाद गए हाँ बांध गए है पास अभी एहसास वही सुरसाद गए हाँ बांध गए यूं थैंक यू दादा यहाँ मेरा हाथ है ना मेरा आप बड़ा पूरा हाथ का पूरा आओ अभी ग्रुप आ जाओ ग्रुप फटाफट आ जाओ आ जाओ पीछे जाओ चलो भाई पीछे पीछे मेरे पास आइए आप बात सुनिए आप इधर आइए आप इधर आइए ओके चलो थैंक यू